नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली में कई दिनों से आपने देखा कि सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार नोकझोंक की जो स्थिति है वो चली ही आ रही है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर कार्यवाही की गई, उन्हें जेल पहुंचाया गया, तो वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का जो शिकंजा है वो एक बार फिर से कसने जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी घोटाले का जो मामला है अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब FBU यानी कि फीडबैक यूनिट के जरिए बीजेपी नेताओं समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जासूसी कराने का आरोप भी लगा रही है, जिसको लेकर के अब गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी के आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय से अनुमति मिल चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया पर जैसे ही सीबीआई की जांच की खबर सामने आई तमाम राजनीतिक दल मैदान में आ गए और साथ ही एक के बाद एक सियासी तीर मनीष सिसोदिया पर छोड़ने लग गए। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी सिसोदिया के पक्ष में आ गई है और साथ ही सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहराया जा रहा है कि कैसे मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट जो तैयार किया गया था जिसका नाम FBU है उसका दुरुपयोग किया, उसके जरिए खुफिया जानकारी जासूसी कराई गई, उन्होंने अपने खुद के आम आदमी पार्टी के कई मेयर्स के जासूसी करवाई। साथ ही हम आपको बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गजों कई बड़े नेताओं की जासूसी करवाई गई, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन इन सबके बीच अब यहाँ जो सवाल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि क्या सच में FBU का दुरुपयोग किया गया है, उसके जरिए जासूसी करवाई गई है, क्या आम आदमी पार्टी सरकार जो कि FBU है उसके जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ साथ ही बीजेपी के नेताओं पर भी जासूसी करवा रही थी, क्या इस यूनिट को बनाने के लिए LG तक से अनुमति आखिर क्यों नहीं ली गई, क्या ऐसी चुनौतियां थी जिसके जब ये यूनिट बनाई गई उसके बाद LG के परमिशन तक इसमें नहीं ली गई, इन सभी सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा मामला दिखाते हैं और समझाते हैं छोटे से रिपोर्ट में ये पूरा मामला क्या है जो इस वक्त गरमाया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, क्या है ये FBU और कैसे ये काम करता है, कहाँ LG की परमिशन की जरूरत होती है और मसला क्या है, एक एक करके जरा सुनिएगा उसके बाद डिबेट में आएंगे। आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। देखिए, जब भी उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ये जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी, मनीष सिसोदिया को CBI गिरफ्तार करे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के बाद अब जासूसी कांड को लेकर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शराब नीति पर घिरे सिसोदिया पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो खबर सामने आई है कि गृह मंत्रालय ने स्नूपगेट और FBU वाले मामले में प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति दे दी है, इसका स्वागत होना चाहिए, परंतु हर बार की तरह इसका स्वागत करने के बदले आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। देखिए, जब भी उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, इसमें कहीं पर भी राहत नहीं मिली है। आज विक्टिमहुड कार्ड की नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और जवाबदेही देनी चाहिए। दरअसल CBI ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने CBI को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। पूरी तरह से फर्जी मामला है, पूरी तरह से फर्जी केस है, इसमें कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पूरी तरह से पड़े हुए। आप सोचिए कि अडानी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, कहीं कोई जांच हुई, कहीं कोई FIR हुई, कुछ नहीं।
क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से केजरीवाल जी का कद बढ़ रहा है, मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है। और आप देखना आने वाले फ्यूचर में और भी इस तरह के फर्जी मुकदमे होंगे। देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है, ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, इस तरीके के और केस जो है, झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट यानी कि FBU का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की। यूनिट ने न सिर्फ BJP के बल्कि आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए LG से भी कोई अनुमति नहीं ली गई। आरोप है कि यूनिट ने तय कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ACB है, आपको FBU यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को CBI गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप अरविंद हो या मनीष हो, आप इनका यदि आप पीछे थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो इनकी NGOs पे भी गंभीर आरोप थे। अफसोस ये कि जिस तरह से ये पब्लिक में आकर के एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, तो कई समय कई बार ऐसा हो कि लोगों ने इन पर भरोसा किया, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। 2013 से आज 23 हो चुका है, लगभग 10 साल का कार्यकाल दिल्ली में बिता चुके हैं, तो अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये लोग केवल भ्रष्टाचार करने आए थे। कितने MLA पर संगीन आरोप है, मंत्री जेल में। CBI को शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की। विजिलेंस विभाग सिसोदिया के पास है। ऐसे में CBI ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की और LG से भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी थी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय से CBI को केस दर्ज करने और जांच करने की अनुमति मिल गई है। मामले में BJP का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने विपक्ष की, अपनी पार्टी के नेताओं की, PSC के सदस्यों की, एक दूसरे के परिवार के लोगों की जासूसी करवाई। जल्दी सतेंद्र जैन के साथ सिसोदिया होंगे। जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय यह कहा गया था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि जरा भी नैतिकता बची होगी तो मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर इन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करेंगे और पहले इन आरोपों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह नैतिकता आम आदमी पार्टी में बची नहीं है। पर जहां सतेंद्र जैन बैठे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया का जाना उनकी नियति है। वो मंत्री बने बने जेल जाना चाहते हैं सतेंद्र जैन की तरह, तो वो मंत्री बने बने ही जेल जाएंगे। तो मेरा यह है कि इसमें परमिशन और करेक्शन राइट में तो शायद ये आएगा भी नहीं। भारत सरकार अगर गंभीर है और सही में देश की प्रभुता, अखंडता और इसकी संवेदनशीलता को देखती है सिक्योरिटी की, तो मनीष सिसोदिया पे UAPA लगाकर जो सबसे पहला होता कि पहले आप 6 महीने के लिए अंदर करें और साथ साथ उसको जो जो संरक्षण दिया रहा है जिसमें केजरीवाल बाकी सब आते, वो इसमें कैसे छूट सकते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि BJP की आदत अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे केस में फंसाने की है। देखना होगा कि गृह मंत्रालय ने जो मंजूरी दी है उससे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर अन्य आरोपों की तरह हवा हवाई साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। उम्मीद करती हूँ आपको जो चीजें हैं, जो मामला है, वो समझ में निश्चित तौर पर आया होगा। लेकिन बाकी जो इस वक्त जो सवाल हैं BJP के, आम आदमी पार्टी से उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो गंभीर आरोप इस वक्त BJP लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, उन सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता हैं भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत। परविंदर सिंह सेठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत।
शम्स ख्वाजा संविधान के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24x7 के प्लेटफॉर्म में। और जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो विपिन शर्मा एज एन जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे है। और शम्स ख्वाजा जी संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं उनके पास आऊँगी और आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि सबसे पहले ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है सर, ये कैसे काम करता है, और साथ ही क्या एक मंत्रालय, मतलब एक अगर कोई भी विंग हो सरकार का, कोई सरकारी तंत्र हो, क्या वो दो तरीके की जानकारी के लिए दो विभाग बना सकता है, जैसे कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार में सतर्कता विभाग है, उसके बाद भी एक खास तरह की यूनिट बनाई गई जिसका नाम FBU रखा गया, और उसके बाद फिर ये कहा, दलील ये दिया गया कि सरकारी विभागों के प्रदर्शन की जानकारी के लिए ये विभाग बनाए गए थे। इस पर मैं पहले आपसे जानकारी लेना चाहूँगी, उसके बाद फिर सवालों में आगे। आपका ये पर्सपेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये असल में इस सारे इशू का बैकग्राउंड और इसका आधार और मूल धारा है। इसकी करप्शन को बैटल करने के लिए बहुत पहले कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उस कानून में पहली दफा जो पॉलिटिकल कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी उसके उसमें लाया गया। उसके बाद एक आंदोलन चलाया दिल्ली में कुछ लोगों ने, और उन्होंने करप्शन का इशू और आगे बढ़ाया, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का, और लोकपाल बिल और लोकपाल एक्ट की उन्होंने एक अमेंडमेंट और उसकी नई शक्ल और उसको ज़्यादा मजबूत बनने की मांग करी, और एक पूरा एक जन आंदोलन की शक्ल में हमने उसको देखा। इसी बिल के बनने के बाद एक अजीब चीज़ हमने ये देखी कि गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने लोकपाल बिल, लोकपाल एक्ट बनने के बाद लोकपाल की नियुक्ति लेकिन इस वक्त मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ, अगर पॉइंट टू पॉइंट आप हमें वो समझाएं तो मैं नहीं बल्कि जितने दर्शक आपको देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ये क्या ऐसा हो सकता है कि सतर्कता विभाग के होने के बावजूद भी एक नया विभाग गठित किया जा सकता है, और उसका मकसद सरकारी विभागों के प्रदर्शन पर नजर रखना हो सकता है जिसमें LG की परमिशन यानी कि मंजूरी नहीं ली गई होती है। सो ये पहले समझाइए आप। देखिए, विजिलेंस किसी फॉर्म में और कितनी लेवल्स पे भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहे कर सकती है, पार्लियामेंट करना चाहे कर सकती है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावट नहीं। बस एक बात याद रखनी चाहिए, हर प्रयास के पीछे दो चीजें होती हैं, एक उसका तरीका होता है, एक उसकी नियत होती है। तरीका सही है, नियत आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो क्या सही है क्या नहीं है, और प्रयास की कामयाबी और प्रयास की सफलता इन दोनों चीजों के एलिमेंट्स के आधार पर नापी जाती है। अगर आप विजिलेंस डिपार्टमेंट और करप्शन को रोकने के लिए आप एक बनाएं या दो बनाएं या तीन बनाएं, अगर उनका सिर्फ ये पर्पस होगा कि BBC ने कोई रिपोर्ट करी तो उसको जाके आपके खिलाफ करी, उसको जाके छानबीन करो, फला ऑपोजिशन लीडर ने करी उसको करो, इसके पास वोट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भेजो, उसके पास कुछ और भेजो, अगर ये तरीका होगा तो बहुत नहीं। लेकिन इसमें LG के परमिशन की भी बात आई है, LG के परमिशन की भी बात आ रही है, और कहा गया है कि उनसे बिना परमिशन के ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो बनाया गया। और साथ ही अब जो मामला है, उपराज्यपाल VK सक्सेना वो कह रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। अगर आपका ये जो पॉइंट है, मुझे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस का बहुत अहम इशू है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली का जो एक्ट है वो बिल्कुल ही अजीब सा एक्ट है, वो ना तीतर है ना पटेल है, उसमें बहुत कमियां हैं, उसमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो LG का कहना अपनी जगह सही है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के राइट्स और विजिलेंस का होना अपनी जगह सही है। बोथ ऑफ देम आर राइट, बट बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो रॉन्ग इन अ सर्टेन वे, जो एक विस्तार से समझाया जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर सही नियत से बनाया गया तब तो ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तब तो ये जो यूनिट बनाया गया है बहुत ही गलत है। हमारे साथ परविंदर जी भी मौजूद हैं,
सही नियत से किया गया काम सही होता है, लेकिन अगर नियत में ही खोट हो, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया है, सुबह कॉन्फ्रेंस भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया, और उन्होंने कहा है कि एफबीओ से केंद्रीय मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थानों, लोगों की जासूसी के आरोप हैं इन अफसर्स पर जो इस एफबीओ के यूनिट को देख रहे थे, जो इसमें पोस्टेड थे। साथ ही खुद के लोगों पर भी इन्होंने जासूसी करवाई है, जो खुद आम आदमी पार्टी के कई में कोई के लोग रहे, आम आदमी पार्टी के अंदर के लोग रहे, उनके ऊपर भी ये आरोप है। नहीं देखिए, ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं, फैब्रिकेटेड हैं, और ये जांच का विषय है। पहली बात, अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन लगा कौन रहा है? जो सीबीआई ईडी का मिसयूज करके जितने भी उनके विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने सरकारें गिराने का काम करा, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली की सरकार कोई डिपार्टमेंट बनाती है और उस डिपार्टमेंट के अंदर देश की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सेफ्टी के लिए, दिल्ली के लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है, अगर वो किसी की जो आप कह रहे हैं कि जासूसी कह रहे हैं, या उनको फोन कॉल्स ट्रैक करी गई हैं, तो उसमें आम आदमी से लेकर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन पे हो, अगर उसके ऊपर कोई इस तरह का शक पैदा होता है उस एजेंसी को, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसको उसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर आप ईमानदार हैं, आपकी सभी छवि साफ है, और आपने कोई क्राइम नहीं करा, तो कोई जितनी मर्जी इंक्वायरी करा ले, इन्होंने टारगेट करा। सवाल यहाँ ये है कि सतर्कता विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास ऑलरेडी थी, उसके बाद भी अगर आपने बनाया भी, तो उसकी जानकारी अपने एलजी को भी नहीं थी? नहीं, एलजी को जानकारी थी, नजीब जंग साहब थे, अब कितने एलजी हैं, अब उन्होंने इस चीज को मार्क करा, और आज 7 साल बाद ये जागे हैं, 7 साल बाद इनके टारगेट रहे हैं। पहले तो इन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव को 1 साल तक टाला। या आप इनका खौफ देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए, इनकी घबराहट देखिए। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है, वो है अरविंद केजरीवाल। उसको गिराने के लिए, उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, जो लोग शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, ठीक है, आपका कहना है, वो आपकी पार्टी का आरोप है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है, ये आपके आरोप है। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो कि आपने एक पर्टिकुलर अपने सरकारी संस्थान के लिए, उसकी देखरेख के लिए एक पर्टिकुलर विंग बनाया, जिसका नाम एफबीयू है, जबकि सतर्कता विभाग आपके पास है, और उसका अगर सही में सच में दुरुपयोग किया गया है आपके खुद के, अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों की जासूसी के लिए, या फिर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के कई पर्टिकुलर बड़े नाम है, उनके लिए भी इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, ताकि पूरी जानकारी ले सके कि सरकार इनके खिलाफ क्या कर रही है, कहीं हमारे खेमे में तो कोई नहीं है जो इनको इनपुट्स दे रहा हो, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि आप अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की जासूसी करवा रहे हैं। ऐसे में तो अभी जो आपके यहाँ लोग होंगे, आपकी पार्टी के, वो भी सक पका गए होंगे, सदमे में आ गए होंगे कि कहीं हमारा तो चेक नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति साफ है वो क्यों सक पकाएगा? आप एक बात समझिए, ईडी ने 163 केस फाइल करे कोर्ट में, जिसके अंदर 130 मामले जो हैं खारिज कर दिए गए। 3000 केस, 3000 जगह रेड होती है, और उसके अंदर 85% जो केसेस हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब ये किया गया है? नहीं, आप देखिए ना, जो देश की इतनी बड़ी सरकार है, आपने कहा जो पाक साफ है उसको डरने की जरूरत नहीं, इसका मतलब सही में क्या ये किया गया है? नहीं देखिए, जो व्यक्ति पाक साफ है उसको डरने की क्या आवश्यकता है? अगर दिल्ली की सरकार अगर कोई विंग बनाती है और उसके अंदर जासूसी करने का अधिकार किसी को नहीं है, परविंदर जी? हाँ जी, जासूसी करने का अधिकार किसी को नहीं है? जासूस, अरे क्या बात कर रहे हो, अगर एक किसी के ऊपर कोई डिपार्टमेंट, सीबीआई है, विजिलेंस है, ईडी है, अगर उनको शक पैदा होता है, तो उनके फोन ट्रैप किए जाते हैं। आप देखिए ना, बीजेपी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसे लेते हुए पकड़े गए, पैसे लेते हुए पकड़े गए। ये एक इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, उपराज्यपाल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीबीआई जांच हो, पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। खेमचंद शर्मा जी हाथ भी उठा रहे, सवाल भी आप ही से है। परविंदर जी का कहना है कि जो पाक साफ है उनको डरने की जरूरत नहीं, और ऐसा सरकारी संस्थानों में होता है कि आप कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बाहर नहीं जाना होता है, कई इनपुट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको बड़ा नज़र रखना होता है,
और मंत्रालय विभाग इतना बड़ा होता है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, रूल रेगुलेशन है, इन सबको मेंटेन करने के लिए सतर्कता विभाग है, और अगर सरकार को लगा कि हमें एक और विंग खड़ा करना है तो हमने किया, इसमें गलत क्या है? भाई आप डर क्यों रहे हो? अगर आप साफ सुथरे हो तो जहां से डर क्यों रहे हो? सब नेता आके आप ये बयान क्यों दे रहे हो कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, उनके नेताओं पे केस दर्ज किए जा रहे हैं, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप साफ सुथरे हो, अगर आपकी नीयत सही थी, अगर आपकी सो कॉल्ड फीडबैक यूनिट ने सही काम किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका डर अपने आप में कहता है कि आपने विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हुए भी सो कॉल्ड जो फीडबैक यूनिट आपने बनाई उसके माध्यम से आपने जासूसी की। एक भी रिपोर्ट जो उस यूनिट ने आपको शेयर की या आपको सबमिट की आपने पब्लिक नहीं की, क्यों नहीं की? अगर आपने कोई यूनिट बनाई है और वो लोगों की भलाई के लिए है, उसमें कुछ आउटकम आ रहा है, उससे कुछ लोगों की भलाई हो रही है, उससे सरकार की एफिशिएंसी बढ़ रही है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप बड़े भाई हो, डिस्टर्ब नहीं किया, आप 5 मिनट सुना है, शालीनता से डिस्कशन करते हैं, तो आप बताएं कोई भी रिपोर्ट को साझा करें, सभी रिपोर्ट को साझा करें। लेकिन एक परविंदर जी का आपके सवाल ठीक है, आपके सवाल जायज है, लेकिन एक सवाल परविंदर जी के भी जायज है। बोलिए बोलिए, आइए आइए बोलिए, क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए जवाब अभी ये आता है कि लीगलिटी लीगल है या नहीं। अब हमारी दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे कुछ अधिकार राज्य के हैं, कुछ केंद्र के हैं, और एलजी महोदय से स्वीकृति लेनी होती है, कुछ इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें करना है, हम सरकार में है, ये जरूरी है लोगों की भलाई के लिए हमें करना है, तो एलजी को बताएं, उनके संज्ञान में रहेगा वो करें, इसकी मंजूरी भी नहीं ली गई, जो भाजपा पे उठा रहे हैं अभी परविंदर जी की 2015 में ये पूरा यूनिट बनाया गया एफबीयू का, अब जाके बीजेपी के लोगों की नींद क्यों खुली, अब क्यों जागे हैं, ऐसा क्या हो गया कि अभी जागे हैं? 2015 में जब यूनिट बनी थी उसके बाद से क्या इन्हें पता नहीं था कि ये हो रहा है? अभी भी इन्होंने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको तभी रेज किया। अब सीबीआई ने जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसमें पता चला है कि इन्होंने जासूसी की है, और ये जासूसी देशद्रोह तक भी हो सकती है। अगर आप केंद्र के डिपार्टमेंट की जासूसी करते हो और वो इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हो जाती है कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपका सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, तो ये देश के लिए भी हानिकारक, और यहाँ पे पूरे विश्व की यहाँ पे एम्बेसी रहती है, अगर आपने किसी दूसरे देश की एम्बेसी की जासूसी कर ले तो ये इंटरनेशनल इशू हो सकता है, जिस तरीके से आपने सिंगापुर के साथ फजीयत कराई थी, कोई लूज कमेंट कर दिया और उसको संभालना पड़ा, तो आपने जो काम किया है, क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये कोई दूसरा राज्य नहीं है कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, यहाँ पे इस तरीके की जासूसी यूनिट खड़ी कर देना, मैं तो कहूँगा प्राइवेट यूनिट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द टैक्सपेयर्स, ये पूरी तरीके से प्राइवेट यूनिट थी लेकिन खर्चा टैक्सपेयर्स का था, ये खड़ी की गई, इससे जासूसी कराई गई और अपने लोगों की जासूसी इसमें एक बात ये दिखती है कि बार कर दिया। मुझे इसमें एक बात ये लगती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है अब इस विषय को लेकर के बड़ा सतर्क हो गया है और जांच करने में जुट चुका है, इसीलिए शायद ये सवाल आ रहा है कि अभी आप क्यों जागे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम को आप सीधा सीधा इसमें सीबीआई ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दायर की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफआईआर दायर करके इस पे आगे कार्रवाई करने के लिए आपका परमिशन चाहते हैं, ये प्रोसेस होता है। हमारे साथ एक और मेहमान है, इन्वॉल्व हैं इसमें, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने उनको गो अहेड दिया है, ठीक है कि आप एफआईआर दायर करो और उसके बाद आप आगे केस को। एक चीज, हमारे साथ विपिन शर्मा भी है, वरिष्ठ पत्रकार है। विपिन जी, आप दोनों ही पक्षों को देख रहे हैं एज एन जर्नलिस्ट, आप आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, आप जो हमारा सरकारी तंत्र है आप उसको भी देख रहे हैं, आप बीजेपी को भी देख रहे हैं। ऐसे में जो आरोप लगे हैं कि सरकारी मंत्रालयों का एफबीयू के द्वारा मिसयूज किया गया, दुरुपयोग किया गया, जासूसी करवाई गई, कई विपक्षी दल इसमें शामिल हैं, विभिन्न इंडिपेंडेंट कई संस्थान हैं जिसकी जासूसी करवाई गई है, इसको आप कैसे देख सकते हैं? अगर ये सही में सच है कि ऐसा हुआ है तब तो ये बड़ा कितना घातक साबित हो सकता है देश के लिए। देखिए मुद्दा यही है, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहेंगे कि अगर हम ये इसके तार जोड़ें 2024 के चुनाव से या कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा बोले कि आम आदमी पार्टी वाले विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, हर एक बात पे बोलते हैं कि भाई अपने राजनीतिक प्रतिनिधि जितने आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उन पे अब भाजपा कार्रवाई कर रही है बदले की भावना से,
तो, और वही बात है आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को पूरा हक है, यही लोकतंत्र है कि यहाँ पर उनको हक है बोले कि भाई भाजपा जो है दुरुपयोग कर रहे हैं जितनी जांच एजेंसी है उनका, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनका कद बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से, क्योंकि अगर भले ही अभी सत्ता केंद्र में सरकार में नहीं है आम आदमी पार्टी, लेकिन मेरा सवाल है, मैं उसी को आना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात कुछ मैं टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आप आपको कि यहाँ पर एफबीयू को लेके ये क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली बात है फंड मिसमैनेजमेंट की बात चल रही है कि जो फंड का भी दुरुपयोग हुआ है, पहली बात। पहले और जो सवाल पूछ रहे उसको समझाइए, मैं फंड पे आऊंगे। पहले मैंने आपसे ये पूछा कि अगर सही में एफबीयू के द्वारा इस तरह के काम करवाए गए हैं तो ये देश के लिए कितना घातक हो सकता है, अब फंड्स और ये के अलावा ये जो सवाल है इस पे जवाब दीजिए। बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अगर ऐसा हुआ है कि आपने किसी संस्था का गठन करा है, कोई बॉडी लेके आया है फीडबैक यूनिट, और आप उसको आप ये संदेश दे रहे हैं कि वो एक नया रिफॉर्म के तहत है, नया आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वहां पर आप इसके विपरीत काम करने लग जाएं, राजनीतिक आपके जितने पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनकी आप खुफिया जानकारी लेने लग जाएं, और तो ये बहुत गंभीर विषय बन जाता है। इसकी जांच अति आवश्यक है और यहां पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर जांच में कुछ निकलता नहीं है तो यहां पर आम आदमी को पूरा हक बन जाएगा और पूरी देश के आवाम को एक अच्छा संदेश जाएगा कि यहां पर बदले की भावना से भाजपा ये दुरुपयोग करती है जांच एजेंसियों की। लेकिन यहां पर दायित्व बनता है जिसकी भी सरकार हो कि आप एक जांच बिठाएं, और जब ये एक मंजूरी मिल रही है, क्योंकि यहां पर जब प्रस्ताव लेके आए थे कैबिनेट बैठक में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो एजेंडा नोट प्रसारित नहीं हुआ। पहले हम रुक कर लेते हैं परविंदर सिंह जी जो हमारे साथ मौजूद है। परविंदर सिंह जी, आप खुद सोच के देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बड़ा ही संगीन हो जाता है। अगर सीरियसली इस तरह की चीज अगर की गई है, एफबीयू का दुरुपयोग किया गया है, स्ट्रिंग्स किए गए हैं, जासूसी करवाई गई है, तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आपने एक शॉर्ट पर्पस के लिए अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आप इंटरनेशनली सोच के देखिए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका खामियाजा कौन भरेगा अगर सही में, क्योंकि सीबीआई जांच भी इसमें अब होनी है, तो ऐसे में जब ये पूरी जांच निकल कर अगर ये सत्य साबित हो जाता है तब इसका खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है, नुकसान देश को कितना बड़ा उठाना पड़ सकता है, आप ये सोचिए। नहीं, आप देखिए ना, आपके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप जांच कराइए, आप जांच करा रहे हैं शुरू से लेके आज तक, कभी आप रेड डालते हैं अरविंद केजरीवाल के, कभी मनीष सिसोदिया के घर पे, कभी उनके पैतृक गाँव में, आपको क्या मिला? आप जब चुनाव से आप इतने बौखलाए हुए हैं, आपने सारी चीज़ें खंगाल ली, 7 साल पुराना आपको एक केस याद आया, 7 साल तक आपकी किसी एजेंसी को, किसी एलजी को, किसी को ये नहीं पता था कि एक फीडबैक यूनिट बनाई गई है और उसके अंदर जासूस, इन्होंने एक फैब्रिकेटेड लोगों को गुमराह करने का एक रास्ता बनाया हुआ है। ईडी जो है विजय माल्या के पास नहीं जाती, ईडी जो है नीरव मोदी के पास नहीं जाती, ललित मोदी के पास नहीं जाती, और जो करंट जो हैं आपके गौतम अडानी जिनके ऊपर, जिन्होंने जो 600वीं लिस्ट पे थे और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, और जो यहाँ पे जो 15 लोगों की जो हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर की लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं होता, उनके पास ईडी क्यों नहीं जाती, उनकी जांच क्यों नहीं करती? मैं कहता हूं हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच कीजिए, लेकिन आप किसी संस्था का मिसयूज़ करिए। परविंदर जी, यही सवाल तो आपसे आपकी पार्टी से कर रही है भाजपा कि आप अपना काम कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने ईडी के लिए गिनवा दिया, नीरव मोदी, ललित मोदी, तमाम मोदियों के नाम आपने ले लिए, अपना काम हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं, अपना काम जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसको समझाने और बताने की उन एजेंसियों को हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सही में इस तरह का मामला है, आप कह रहे हैं कि अभी अभी जाके, मैं कह रही हूं कि अभी भी अगर इस तरह का मामला है और सही में आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो इस वक्त जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर वो साबित हो जाता है और सही में ये घटना होती है, साबित तो खैर अलग बात है, घटना अगर साबित हो जाती है कि दुरुपयोग किया गया है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है देश को, सोचिए किस किस लेवल की जानकारी और जासूसी की गई होगी
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फैब्रिकेटेड है। आप जांच जांच होगी, डरने की जरूरत नहीं है लोगों को, डरने की जरूरत नहीं है। जिनके ऊपर भी करवाया गया, अगर वो साफ पाक है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ लोगों को, आम जनता को गुमराह करना और अपने अपोजिशन पार्टी को तंग परेशान करना, इनकी शुरू से स्ट्रेटेजी ये रही है। कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी ठीक है, आप कह रहे हैं ये पूरा का पूरा मामला ही कुछ नहीं है। तो जब अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट था, उसके बाद भी 2015 में फिर आपने एफबीयू क्यों बनाया जब इसका कुछ उपयोग ही आपको नहीं करना था। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करा जा रहा है, उसका मिसयूज करा जा रहा है सरकारें गिराने के लिए। उसके 7 स्टेट्स के एग्जांपल्स हैं, वहां के प्रदेशों की, जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन डाले, जिनके ऊपर ईडी ने रेड मारी, उनके ऊपर बड़ा मीडिया बोला, बड़ी बीजेपी के बड़े बड़े लोग बोले, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वहां पे उनके एक वॉशिंग मशीन में सब साफ होके निकल आते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। ये कोई बात नहीं परविंदर जी, ये कोई बात नहीं हुई कि बड़े बड़े उनके लोग होते हैं वो क्या करते हैं। मैं कहती हूँ वो कुछ भी करते हैं, क्या आप उनसे सीख के आप अपने लोगों के साथ वही करेंगे? दिल्ली के लोग भरोसा करते हैं आपकी सरकार पर। ऐसे में आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी मेयर भी आज बनी है दिल्ली में, भरोसा करती है, भरोसा करती दिल्ली की जनता। आप उनके साथ लगा दिया, एक एग्जांपल है, इन्होंने पहले तो चुनाव नहीं होने दिए, चुनाव होते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा परविंदर जी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, मैं कह रही हूँ अगर डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट थी, आपने अलग से फिर ये विंग क्यों बनाया जब आपको इस विंग को यूज नहीं करना था, इस एफबीयू का इस्तेमाल नहीं करना था। दूसरा ये है, इनका कहना है परविंदर जी का कि हम लगातार, अगर किसी को ट्रैक और ट्रेस भी किया गया है तो वो एक जनहित में होगा, उसके कोई खामियाजा या फिर इस तरह की कोई बात नहीं होगी जिससे किसी को नुकसान हो। ये क्या बहुत जनरलाइज, मतलब बहुत 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 साधारण बात तो लग नहीं रही है? शम्स ख्वाजा जी मैं आती हूँ, गेमचंद जी बहुत साधारण सी बात जैसा वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उतनी आसान भाषा में तो है नहीं मामला। जी आपका कंसर्न बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि पेगासस का जो इशू था जिसमें केंद्र सरकार ने बाकायदा लोगों की जासूसी करवाई जैसे बताया गया, और उसमें खुद अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे जिनकी जासूसी में एक साहब बहुत बढ़िया पाए गए, और उनको उस बढ़िया पाए जाने के बाद उन्हें कैबिनेट का मिनिस्टर भी बनाया गया, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी दिया गया। तो वहाँ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब हिंदुस्तान को उस नज़र से देख रही थी तो बीजेपी के बड़े लीडर्स मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हमें इख्तियार है पता करने का, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे हेनरी किसिंगर ने वाटरगेट स्कैंडल किया हो। जासूसी करना गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी ऑपरेटर्स के जरिए अपने या पॉलिटिकल या और लोगों पर, प्राइवेट सिटीजन्स पर, बिना किसी बहुत ही साउंड वेरीफाइड रीजन के इंतहाई गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश के साथ ये देशभक्ति नहीं है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। ठीक है, कुछ कहना मैं राज्य, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा, मेरा सवाल बलविंदर जी से भी है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब एफबीयू का गठन हुआ तो क्या आपने उसकी रजामंदी ली एलजी से, पहली बात। दूसरी बात, एफबीयू को किसको रिपोर्ट करना था? सचिव को करना था, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट को, क्या उन्होंने करा? और दूसरी बात, बड़ी जरूरी बात, ये सारे राजनीतिक दलों पर लागू होती है कि बहुत आसान है, आपने बोलते हैं कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, ये हम क्यों भूल जाते हैं? और यहाँ पर जांच एजेंसियों पे जो अंदेशा जताता है, या ये बोला जाए कि आप सवाल उस पे उठाते हैं कि ये दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बात सब पे लागू होती है यहाँ पर। तो अब अगर ये अंदेशा जताया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि आपके जो एफबीओ है उसने स्टूपिंग करी है, जासूसी करी है और खुफिया राजनीतिक जानकारी बटोरने की कोशिश करी है, जो गंभीर मुद्दा है, तो यहाँ पर तो ये आप ही बात लागू हो रही है जो आप बात बोलते हैं ईडी पे, इनकम टैक्स पे, कि केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। तो टेक्निकल बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जीएनसीटी अभी अभी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जीएनसीटी जो है यहाँ पर, ये बात समझनी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, तो आपको उसका समझौता करना पड़ेगा और मिल भी नहीं सकता, ये बात तय है, क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड क्लास सिटीज है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, और यहाँ पर तो आप तालमेल बिठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो तालमेल का सवाल ही पैदा, यहाँ तो तनातनी मची हुई है।
यहाँ पर बीच का रास्ता ठीक है खेमचंद जी बोलेंगे, उसके बाद फिर आपसे जवाब लूंगी, एक बार सवाल भी पूछ लें खेमचंद जी, उसके बाद आपसे पूछती हूँ मैं जवाब। बोलिए खेमचंद जी। परमिंदर जी दोनों बात, परमिंदर जी बोलिए। नहीं, आप कह रहे हो अंदेशा है, लेकिन जो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तो प्रूफ कर दिया कि वो संविधानिक संस्थाओं को लोगों को मिसयूज करके, अपोजिशन को मिसयूज करके। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है खेमचंद जी? आवाज आ रही है? हाँ, जल्दी से सवाल बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद परमिंदर जी जवाब देंगे। बोलिए। देखिए परमिंदर जी, दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और हमने किया भी नहीं है। हाँ। अरे यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऑथोरिटी किसकी है? बिल्कुल। क्या आप ईडी और सीबीआई से कंपेयर कर रहे हो उस यूनिट को? बिल्कुल। क्या ईडी और सीबीआई की तरह कॉन्स्टिट्यूशनली इसका गठन हुआ है? क्या इसको अधिकार है? क्या इसकी लायबिलिटी है? क्या इसकी आंसरेबिलिटी है? आपकी यूनिट की आंसरेबिलिटी है क्या? और आपने रिपोर्ट आपके पास आई उनको पब्लिक क्यों नहीं किया? उनका आपने बताया क्यों नहीं? तो उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है? उन रिपोर्ट्स में किसके खिलाफ आपने आपने स्टूपिंग की, कितनी स्टूपिंग की, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ, दिल्ली वालों को क्या फायदा हुआ, तो पब्लिक नहीं हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट यूनिट बनाई थी सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने जो पॉलिटिकल बोलिए। सीबीआई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि को नोटिफाई नहीं किया प्रॉपर तरीके से, इसको नोटिफाई नहीं किया। और तो और इन्होंने अपने जो आप प्रोपेगेंडा करेंगे या आप किसी तत्व पे बात करना चाह रहे हैं? बोलिए। सीबीआई बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए। आपने हमें साजी पे भी क्वेश्चन किया और स्नूपिंग की जो आपने एलिगेशन लगाए थे आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, और उनको एक बार 2013 से मुद्दा चल रहा है, 10 साल हो गए, अभी तक स्क्रूटनाइज किया गया है, कोई बात बाहर नहीं आई। एलिगेशंस और फाइंडिंग में फर्क है, बोलिए। फाइंडिंग से और यहाँ पे सीबीआई दायर कर रही है, फाइंडिंग के बाद कार्रवाई होगी। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्ट से बनाई गई है, जो जिसका इस्तेमाल जो भी सरकार है वो गलत तरीके से करती है और कर रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में सिविल लिबर्टीज मूवमेंट स्ट्रांग नहीं है। मैं ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का किसी के पक्ष की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। इसमें सिटीजन को रिस्पेक्ट और उसकी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, आपकी हो, मेरी हो, इसकी हो, उसकी हो, जो गवर्नमेंट्स स्टैट्यूटरी अपैरेटस को मिसयूज करती हैं और अब्यूज करती हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। यह असल देशभक्ति है, देशभक्ति वंदे मातरम गाना नहीं है। ठीक है खेमचंद जी, बोलिए बोलिए। पूछिए पूछिए ख्वाजा साहब, बतौर पत्रकार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कैसे तय होता है कि एक फलानी एजेंसी को आप संवैधानिक औहदा दे देते हैं? आप कई बार तो बोलते हैं आप कि जितनी संवैधानिक एजेंसियां हैं उनको वो औहदा प्राप्त हुआ हुआ है। अब अगर आप एफबीओ की बात करें कि यहाँ पर ये अगर ये दो ही बात हो सकती है, या तो वो संविधान के तहत नहीं है, या अगर नहीं है तो भी बात है एजेंडा नोट प्रसारित क्यों नहीं करा गया जब कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव लेकर आए एफबीओ के बारे में, तो उसको औपचारिक तरीके से आगे क्यों नहीं लेके गए? यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है उसको रिपोर्ट किसको करना था? सचिव को करना था, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, जो नहीं हुआ। तो यहां पर तो देखिए मुद्दा बनता ही है। आपने पेगासस की बात करी, बिल्कुल सही बात करी, लेकिन मेरा बड़े विनम्र पूर्वक आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि हम जब बात करते हैं तो सारे पहलुओं को उजागर करें, तब एक अच्छा संदेश जाएगा जनता के पास। ठीक है परविंदर जी, परविंदर जी खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद परविंदर जी के पास जल्दी से खेमचंद जी को सवाल है या फिर जवाब दे रहे हैं? देखिए फैजा साहब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जनरल परसेप्शन हम यही कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि वो संविधान के अनुसार बनाई हुई है, प्रॉपर प्रोसेस उसका फॉलो हुआ है। इन टर्म्स ऑफ आप बोलोगे कि ठीक है परविंदर जी, लगातार परविंदर जी समझते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के माने क्या है। सॉरी दरवाजा कॉल, यू आर कंटिन्यू प्लीज, कैन आई कंटिन्यू प्लीज, कैन आई कंटिन्यू फाजा साहब, प्लीज होल्ड ऑन।
मेरा कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल जस्ट लाइक अदर इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट सुन लीजिए ये संविधान के अंतर्गत बनी हुई है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके बनी हुई है, इनकी ड्यूटीज है, इनके रोल्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन जो फीडबैक परविंदर जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, ठीक है, आप लोगों के सवालों के जवाब परविंदर जी देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है कि परविंदर जी हमने देखा कि जिस तरीके से केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच नोक झोंक और लड़ाई वाला ये जो माहौल है लगातार कई महीनों से हम देख रहे हैं, जब से ये चुनाव का माहौल आगे से स्टार्ट हुआ, कहा जाता है पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार के लिए हम सिरदर्द बन गए, तो ऐसे में मैं कह रही हूँ कि जब आपकी पार्टी ये मांग करती है कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो घोटाला हो रहा है, सरकार वहाँ CBI जांच क्यों नहीं कराती, सरकार यहाँ ये जांच क्यों नहीं कराती, मैं कह रही हूँ ये जांच आपके ऊपर क्यों नहीं, आपकी पार्टी के ऊपर क्यों नहीं, मनीष सिसोदिया के ऊपर क्यों नहीं? नहीं देखिए क्या क्या वो संविधान से अलग है, क्या वो देश से अलग है? आवश्यकता है, आप देखिए ना, एक मेयर को बनाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाके मेयर बनता है, शर्म आनी चाहिए आप देश की जनता के साथ, आप देश की जनता के साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं दिल्ली की सरकार में, काम करने वही अंडरमैन है, जब टीचर्स जाना चाहते हैं सुन ले, आप जाना नहीं देना, देखिए पेंशन की चीजें मत बोलिए, क्या आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ, जब कंटेंट नहीं होता ना तो आदमी बीच में बोलता है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अब आपने बोला तो सुन ले, इलेक्शन हो जाता, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आपके पास मेंबर ज्यादा है, क्यों नहीं मेयर बना रहे, आपको मेयर बनाना नहीं था क्योंकि आपको विश्वास नहीं था, इस तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी थी, पर आप सिर्फ हाथ बोलते जाएंगे तो कोई बात नहीं होगी, आप सुन भी लीजिए ना, आप इतना आप गलत आरोप लगा रहे हो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेयर की बात करोगे पहले से देश लेके, आप पूरा देश ने पूरा संसार देख रहा है, टीवी पे भी डिबेट हुई थी, सरकार इनके नाम पे और आपने पिताजी अधिकारी के नाम पे जो आंदोलन से निकली हुई है, अगर वो उसको जनता दिल्ली की जनता मैंडेट देती है उसका मेयर नहीं बनने दिया जाता, उसको थक हार कर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। विपिन जी, विपिन जी, मैं इस तरह की देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अपने टीचर्स को जिसका शिक्षा मॉडल पूरे संसार के अंदर माना हुआ है, सबने अप्रिशिएट करा, आप बातें बोलते जाएंगे तो आंसर तो लेंगे ना, मैं प्रीति जी सारे बोलूंगा, अब एक मिनट करो, उसको उत्तर भी पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हो जाएगा, उसके बाद किसी भी मुद्दे से भटक नॉन स्टॉप ऐसे भटक कर जवाब, मैं प्रीति जी दो बातें बोलूंगा, देखिए यहां पर अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जब बात करते थे पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, बोलते थे कि स्टिंग ऑपरेशन करें, जो केजरीवाल साहब ने बोला अच्छी मुहिम है, मैं स्वागत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन एक बात है यहाँ पर तिहाड़ टेप्स भी आई थी सत्येंद्र जैन की, तो ये सबके लिए है, अगर जांच होती है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और क्योंकि जिनका मैं बड़े व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ परविंदर जी का, एक बात बोलूंगा, फिनलैंड की बात करी कि टीचर्स को क्यों नहीं, निश्चित बात है टीचर्स से तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे गुरु है, लेकिन यहां पर यह भी भूलना नहीं चाहिए, कश्मीर फाइल को लेकर जब बोला था कि वो फिल्म का क्या हो रहा है यूट्यूब पे डाल दीजिए, तो ऐसे तो विपक्ष बोलेगा, जो भाजपा वाले हैं वो बोलेंगे आपको अगर टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है तो यूट्यूब पे करा लीजिए, बच्चे भी तो दो बड़े गंभीर सवाल है, आप शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं, मैं आप शिक्षा के ऊपर सवाल नहीं, मैं जो देश का भविष्य है, जो चाहता हूं देश शिक्षा आगे जाए और बढ़िया हो, मैं 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद सर 10 सेकंड, मैं विपक्ष के, मुझे 10 सेकंड, मैं वो बात बोल रहा हूं कि यहां पर 10 सेकंड की प्राथमिकता होनी चाहिए, दिल्ली को पेरिस बनाए अव्वल दर्जे पे, लेकिन यहां पर तालमेल नहीं बैठा हुआ, दो मैं तो बड़े सवाल है अपेक्षा कर रहा है परविंदर जी से, आम आदमी पार्टी और तो मैं तो पूर्ण सवाल, ठीक है विपिन जी रुक जाइए, अरे संसार के अंदर जितने देशों ने तरक्की करी है उनका जो रूट था वो एजुकेशन था, अगर एक रिक्शे वाले का बच्चा जिस मुद्दे पे बात करें उस पे बात कीजिए, नहीं उस पे बात कीजिए आप लोग इधर उधर, हम जिस दिन एजुकेशन पे बात करेंगे दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति उस पे जरूर आप लोग आइएगा, अभी फिलहाल दो सवाल हैं, दो मेरे सवाल है परविंदर जी से मैं आती हूँ आपके पास, बिना प्रशासनिक अनुमति के आखिर ये FBU की कैसे संरचना हुई, कैसे ये एस्टैब्लिश किया गया, दूसरा सवाल ये है कि इस यूनिट को फंड कहाँ से मिलता है?
नहीं नहीं, आप देखिए ना, अगर कोई चुनी हुई सरकार है, चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, अगर वो देश की या अपने प्रदेश की जनता की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट का गठन करती है, तो उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है उन्होंने पूरी करी होगी। जो सरकारी फंड है, जो दिल्ली सरकार का सरकारी फंड है, वहां से आपके विजिलेंस डिपार्टमेंट का फंड जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं जो मेरे पास है, वो कह रहे हैं कि इस पूरे यूनिट को फंडिंग कहाँ से होती है, पूछिए। सरकार द्वारा फंडिंग होती होगी, और कौन करेगा फंडिंग? अगर कोई, अगर दिल्ली सरकार का कोई डिपार्टमेंट बनता है, उसकी फंडिंग कौन करेगा? फॉरेन फंडिंग थोड़ी करेगा। अगर एक प्रदेश की, एक प्रदेश की सेफ्टी किसी डिपार्टमेंट का गठन किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट की जवाब 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 सही नहीं है। शम्स ख्वाजा जी, शम्स ख्वाजा जी, शम्स ख्वाजा जी, अभी कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, अभी इन्होंने कहा, परविंदर जी ने, मैंने उनसे सवाल पूछा कि इस यूनिट का जब ये एस्टैब्लिश किया गया तब कोई भी प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई, साथ ही फंड कहां से होता है? कैसे कह सकते हैं अनुमति नहीं ली गई? उसके ये आरोप लगाया गया है परविंदर जी, परविंदर जी, परविंदर जी कह रहे हैं कि जो फंड है, क्या ऐसा हो सकता है? आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि दो यूनिट हो, उसकी फंडिंग कैसे हो सकती है सर? लीगली मैं कह रही हूँ, राज्य के अंदर आप अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं, अभी तो एलिगेशन है ना, जनता को जानने की भी तो जरूरत है सर, जान लेने दीजिए ना, बोलिए ना, समझी, एक सेकंड समझे, फिर जवाब दे दीजिए। प्रोपेगेंडा कर रहे, बिल्कुल नहीं, जवाब दीजिए सर। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी राज्य के अंदर दो विभाग विजिलेंस के आते हैं, तो क्या सरकार जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको फंडिंग करेगी, या फिर अलग से जिसकी कोई प्रशासनिक अनुमति ली नहीं गई है ऐसा आरोप है, क्या उसको भी फंडिंग सरकार कर सकती है सर? इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी, मैं ये जरूर करूंगा कि फंडिंग की कैपेसिटीज हर स्टेट में, हर उसमें एपरेटिस में स्पेसिफाइड है, और अगर फंडिंग गलत करी है, बगैर इजाजत के करी है, मिस अप्रोप्रिएट किया है अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो इनके पास रिलीफ ये है कि हाईकोर्ट से रेट ऑफ सर्श्योरारे इशू करा ले और सारा रिकॉर्ड सामने रखवा दे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। जो भी फंडिंग बगैर अप्रूवल होगी वो गलत होगी, और जिस फंडिंग के लिए अप्रूवल जिसका चाहिए होगा उसी का अप्रूवल लिया जाएगा, जिसका नहीं चाहिए होगा उसका नहीं दिया जाएगा। ऑल पावर्स कैनॉट बी प्रिज्यूम टू बी इन द हैंड ऑफ द एलजी, एंड द एलजी कैनॉट बी प्रिज्यूम टू बी हैविंग नो पावर्स ऑफ कंट्रोल और वीटो। दोनों बातें, जैसे मैंने कहा था, दिल्ली का जो एक्ट है ये बहुत ही बेतुका एक्ट, और एक बात जरूर परमिंदर से नहीं कर पा रही थी, जवाब ये है कि फंडिंग की वहां से हो रही थी जहां से पिगासस की थी। बिल्कुल हम परविंदर जी की मजबूरी समझते हैं, ये गवर्नमेंट से जवाब मांगा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो जो जरूर जवाब देगी। खेमचंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इन्होंने स्नूपिंग कराई है, अपने लोगों की स्नूपिंग भी कराई है, दूसरे लोगों की भी कराई है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो डर है कि इन्होंने सरकार की भी स्नूपिंग कराई है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की भी कराई है, हो सकता है कि इन्होंने विदेश के लोगों की भी कराई हो, डाउट है ना, वो बहुत बड़ा डर है। आप घबराए हुए हैं कि हमारे लूपहोल ना खुल जाए, लगातार अराजकतावादी जनता पार्टी के नेता घबरा रहे हैं, और उसी अगर हमारी भी खतरनाक हमने किससे काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसकी मांग करते हुए हम लोग कल परविंदर सिंह के फाइनल कमेंट। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपकी ये घबराहट है, आपको ये डाउट है कि अगर हमारी जासूसी करी हुई है और हमारे नेताओं की जासूसी करी हुई है तो हमारे सारे लूपहोल खुल जाएंगे, तो हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़े, हमें जेल भी जाना पड़े, ये घबराहट और बौखलाहट है। हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, हमारे पास विश्व का सबसे, अरे डिबेट नहीं है, फाइनल कमेंट दीजिए आप लोग प्लीज।
शम्स ख्वाजा जी फाइनल कमेंट। जी मेरा अपफ्रंट रिमार्क एक तो ये है कि मनीष सिसोदिया साहब की गिरफ्तारी की मांग जो है बहुत ही बेहूदा है। दिस इज नॉट द वे यू गो आफ्टर मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑन सच फ्लिमजी प्रिजम्प्टस एंड फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लोग सोचते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि सिटीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजन की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली करे या बंगाल करे या कश्मीर करे या बहुत महत्वपूर्ण बात, जो भी प्राइवेसी के साथ ये बेहूदगी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। दैट शुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड। मैं ये बोलूंगा, देखिए किसी को भी आप दोषी करार कर दे बिना जांच के गलत है, लेकिन यहाँ पर अगर अंदेशा जताया जा रहा है और मामला गंभीर है तो दूध का दूध पानी का पानी होते नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ख्वाजा साहब ने जो बात बोली उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब ये बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री पे ऐसे नहीं उनपे वो गिरफ्तारी की बात बेबुनियाद है, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही कुछ लोग ना उनके साथ सहमत हो उनकी नीतियों से या उनके साथ इत्तेफाक ना रखें, लेकिन देश सबके प्रधानमंत्री है, तो रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ डिबेट में आए और साथ ही जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से उबाल मार रही है, इस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, जांच कहां तक जाती है, क्या सही में इस तरह की संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, ये जांच का विषय है। लेकिन बीजेपी कई तरह के गंभीर आरोप इस वक्त लगा रही है, देखना होगा क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई देते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।